तो मिलना और बनाना यही है मनाना। आज के दिवस पर यहाँ दो बातें करनी है, मिलन तो मना ही रहे हो, बाकी आप सामान बनाना है। यह दोनों बातें की गोया शिव जयंती मनाई। जब भक्त लोग जल चढ़ाने के लिए जाते हैं तो भी बीच में ब्राह्मण होते हैं जो उनसे कराते हैं, तो आप भी ब्राह्मण हो। जैसे भक्त लोग जल चढ़ाते हैं वैसे तुम बच्चे बाप के ऊपर आत्माओं से जल चढ़वाते हो। यह जल अथवा दूध चढ़ाने की रस्म क्यों चली? जिस समय जल चढ़ाते हो उस समय मन में क्या सोचते हैं मालूम है? जल व दूध जो चढ़ाते हैं उनका भावार्थ यह है, जब कोई भी प्रतिज्ञा करनी होती है तो हाथ में जल उठाते हैं, सूर्य को भी जल चढ़ाते हैं, तो अंदर में प्रतिज्ञा करते हैं। तुम्हारे पास भी जब कोई आते हैं तो पहले पहले उन्होंने से प्रतिज्ञा का जल लो। एक प्रतिज्ञा कराते हो ना कि हम आज से एक शिव बाबा के ही बनकर रहेंगे, एक बाप दूसरा ना को बाबा कहते हैं अक्सर, तो पहले उनसे प्रतिज्ञा कराते हो। वह लोग भी अंदर में प्रतिज्ञा कर फिर स्वयं सम्मुख आकर देवताओं पर अर्पण होते हैं। जो पूरे भक्त होते हैं वह सारा ही अपने को उनके आगे झुकाते हैं, अच्छा नमन करते हैं, अर्थात अपने को अर्पण कर देते हैं। तो तुम भी पहले उन्होंने से प्रतिज्ञा कराते हो। जब पक्के हो जाते हैं तो संपूर्ण स्वाहा कराते हो। ऐसी सर्विस करनी है, बिल्कुल न्योछावर कराना है। आपने कितने को न्योछावर कराया है? कंप्लीट सबमिशन न्योछावर। जो जितना स्वयं न्योछावर बने हैं उतना ही औरों को बनाते हैं। अगर स्वयं ही संपूर्ण न्योछावर नहीं बने तो औरों को भी इतना ही आप समान बनाते हैं। अभी नौचावर होने में मेहनत और समय दोनों ही लगता है, लेकिन थोड़े ही समय में नौचावर होने वालों की क्यों लग जाएगी? ऐसे परिस्थितियां आ जाएंगी तो इन एडवांस बाबा बता रहे हैं कि बाबा के पास सभी आ जाएंगे, ऐसे परिस्थिति आ जाएंगी। जैसे वहां यादगार है काशी कलवट खाने का, स्वयं अपनी इच्छा से कटने को तैयार हो जाते हैं, वैसे यहाँ भी तैयार हो जाएंगे। आप लोगों को इच्छा पैदा करने की मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, स्वयं अपनी इच्छा से जंप देने के लिए तैयार हो जाएंगे। यहाँ क्यों लगनी है? अभी नहीं लग रही है, इसका भी कारण है। अभी तक क्यों नहीं लगी? भक्त अभी आए नहीं, क्यों लगी नहीं, इसके भी कारण बताते हैं भक्त। बच्चों के पास अभी कौन सी क्यों लगी हुई है? जब वहां क्यों खत्म हो जाएगी तब वहां क्यों लगेगी? मालूम है अभी कौन सी क्यों लगी हुई है? तो बाबा पूछते हैं तो किसी ने जवाब दिया संकल्पों की। संकल्पों में भी मुख्य क्या है जो ही पुरुषार्थ में ढीलापन लाती है?
व्यर्थ संकल्पों का मूल कारण क्या होता है? पुराने संस्कार किस रूप में आते हैं? एक शब्द बताओ जिसमें व्यर्थ संकल्प का बीज आ जाता है। व्यर्थ संकल्प व विकल्प जो चलाते हैं, तो एक ही शब्द बुद्धि में आता है कि यह क्यों हुआ, क्यों से व्यर्थ संकल्पों की क्यों शुरू हो जाती है। अंग्रेजी में भी आप देखेंगे क्यों शब्द की निशानी सभी से कुछ अलग रहती है, टेढ़ी होती है। तो क्यों की क्यों बड़ी लंबी है, एक का शब्द से शुरू होने वाले क्यों, कब, कैसा, इनकी क्यों बड़ी लंबी है। इस क्यों के समाप्ति बाद ही संपूर्ण आएंगी, फिर वहां क्यों लगेगी। जब क्यों शब्द निकलेगा, फिर ड्रामा की भावी पर एक रस स्थिरियम रहेंगे। एक स्थिरियम मतलब स्टेबल स्थित। तो अभी क्यों के क्यों को खत्म करना है। जब ये खत्म हो जाएंगे तो हमारे सामने क्यों लगेगी, भक्तों की लाइन लगेगी। समझा? एक क्यों शब्द से सेकंड में कितने संकल्प पैदा हो जाते हैं। क्यों से फिर कल्पना करना शुरू हो जाता है। तो बाप भी बच्चों से यह जल की लोटी चढ़वाने के लिए आए हैं। कोई भी प्रतिज्ञा करते हैं तो जल को साक्षी रखकर करते हैं। तो अब यहाँ लोटी चढ़ानी है, इसका मतलब है बाबा कहते हैं प्रैक्टिकल में अभी शिव जयंती मना रहे हैं, वेस्ट संकल्पों की समाप्ति समर्पित कर हम लोटी चढ़ाना है। मधुबन में विशेष रिस्पॉन्सिबिलिटी पांडव दल की है, तो उस दल में अब बल होना चाहिए। पांडव दल में बल होगा तो फिर इस पांडव भवन के अंदर आसुरी संप्रदाय तो क्या है, लेकिन आसुरी संकल्प भी नहीं आ सकती। यहाँ हम एक चीज सोच सकते हैं, मंदिर में जब कोई भी जाते हैं तो नेगेटिव एटीट्यूड लेके, नेगेटिव विचार लेके नहीं जाते, तो बहुत कंट्रोल्ड से रहते हैं। जैसे यहाँ भी जब पांडव वन में हम लोग जब भक्त आएंगे तो उनको बहुत शांति का अनुभव होगा, शक्ति का वाइब्रेशन अनुभव। वहां पहरा देना है तो बहुत सहज है। जैसे इस गेट की रखवाली करते हो, वैसे माया का जो गेट है उसकी भी रखवाली करनी है। ऐसे पांडव सेना तैयार है जो आसुरी संस्कारों को, आसुरी संकल्पों को भी इस पांडव भवन के अंदर आने न दे। दो अब पहले अपने अंदर यह पहरा मजबूत होगा, तब पांडव भवन में यह मजबूती ला सकते हैं। ऐसा पहरा देते हैं कौन कौन ऐसी हिम्मत रखते हैं कि हम पांडव सेना अपने पांडव भवन की ऐसी रखवाली करेंगे। ऐसी रखवाली अगर पांडव भवन पांडव करते हैं, करते रहते हैं वो, फिर यह पांडव भवन एक जादू का घर हो जाएगा। पांडव भवन को कहते हैं हम तपोभूमि, परिवर्तन घर, जादू का घर। जो कैसी भी आत्मा आए, आते ही आसुरी संस्कारों और व्यर्थ संकल्पों से मुक्त हो जाए, ऐसे निर्विकल्प बनाने का जादू का घर हो जाएगा। ऐसी सर्विस जब करेंगे तब प्रत्यक्षता होगी। एक दो से सुनते ही लोग दौड़ेंगे। जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा वैसे दुख अशांति भी बढ़ने के कारण हरेक आत्मा सुख चैन की प्यासी होगी, और उसी प्यास में तरसती हुई आत्मा
इस पांडव भवन के अंदर आने से ही एक सेकंड में सुख चैन का अनुभव करेंगे, तब प्रभाव निकलेगा। एक एक चैतन्य मूर्ति के समान दर्शन मूर्त हो जाएंगे। एक एक रत्न का दर्शन करने के लिए दूर दूर से प्यासी आत्माएं आएंगी। लेकिन जब ऐसा पहरा देना शुरू करेंगे, तब जैसा संगठन का बल है, स्नेह का बल भी है, एक दो को सहयोग देने का बल भी है। बाबा तीन बल बताते हैं। अभी सिर्फ एक बल चाहिए, इसके साथ और एक बल भी चाहिए, जिसकी कमी होने के कारण ही माया की प्रवेशता हो जाती है। वह है सहनशीलता का बल। अगर सहनशीलता का बल हो तो माया कभी वार कर नहीं सकती। बहुत इंपॉर्टेंट है ये बल, सहनशीलता का बल। तो यह चारों बल चाहिए। आज बाप दादा की जयंती के साथ सभी बच्चों की भी तो जयंती है, तो इस जयंती पर चारों बल अपने में धारण करेंगे, तो फिर यह पांडव भवन सारी दुनिया में देखने और अनुभव करने का विशेष स्थान गिना जाएगा। इस पांडव भवन का महत्व सारे विश्व में होगा। महत्व बढ़ाने वाले कौन? पांडव भवन की महत्व बढ़ाने वाले कौन? पांडव सेना और शक्ति सेना। मधुबन निवासी ही मधुबन के महत्व को बढ़ा सकते हैं। पांडवों के लिए तो प्रसिद्ध है कि वहां कभी भी प्रतिज्ञा से हिलते नहीं थे। 1% की भी कमी हुई तो इसको कमी ही कहा जाएगा। 99% नहीं, 100% हमें संपूर्ण बनना है। पांडव सेना को एग्जाम्पल बनाना है, जो आप लोग को देख औरों को भी प्रेरणा मिले। कोई भी मधुबन में आए तो यह विशेषता देखे कि यह सभी इतने अनेक होते हुए भी एक और एक की लगन में मगन है और एक रस स्थिति में स्थित है। जब ऐसा दृश्य देखेंगे तब प्रत्यक्षता की निशानी देखने में आएंगे। आप सबकी प्रतिज्ञा ही प्रत्यक्षता को लाएगी। तो आज पहले प्रतिज्ञा का जल चढ़ाना है, फिर सौगात भी मिलेगी। प्रतिज्ञा की तीन लकीर दिखाते हैं, बेलपत्र भी जो चढ़ाते हैं, वह भी तीन पत्तों का होता है। तो आज के दिन तीन प्रतिज्ञा कराइए। सहनशीलता का बल अपने में धारण करेंगे, यह पहला प्रतिज्ञा है। दूसरी, क्यों की क्यों को खत्म करेंगे। और तीसरी, आसुरी संस्कारों पर पहरा देना है। नोट कर लेंगे तीन प्रतिज्ञाएं। तो तीन प्रतिज्ञा का यह बेल पत्र चढ़ाना है। भक्त लोग तो खेल करते हैं, लेकिन ज्ञान सहित खेल करना वह तो बच्चे ही जानते हैं, हम बच्चे ही जानते हैं। इसलिए आज के शिवरात्रि का यादगार फिर भक्ति में यह रसम माफिक चलता है। पहले आरंभ बच्चे ही करते हैं ज्ञान सहित, और फिर भक्त कापी करते हैं अंधश्रद्धा से। जरूर कभी किया है तब यादगार बना है। भगवान बच्चों को कहते हैं वंदे मातरम, कितना फर्क हो गया, इतना नशा रहता है, माताओं से पूछते हैं। जिस बाप की अनेक भक्त वंदना करते हैं वह स्वयं आकर कहते हैं वंदे मातरम। इस खमारी मतलब नशा, इस नशा की निशानी क्या होगी? उनके नयन, उनके मुकड़े, उनकी चलन, बोल आदि से खुशी झलकती रहेगी। जिस खुशी को देख
कईयों के दुख मिट जाएंगे। ऐसी माताएं जिनको बाप दादा स्वयं वंदना करते हैं, उनकी निशानी है खुशी, चेहरा ही अनेक आत्माओं को हर्षाएगा। अज्ञानी लोग सवेरे उठ कोई ऐसी शक्ल देखते हैं तो कहते हैं सवेरे उनकी शक्ल देखी तब यह प्रभाव पड़ा है, तो शक्ल का प्रभाव पड़ता है। तो आप बच्चों का हर्षित चेहरा देख सभी के अंदर हर्ष आ जाएगा, ऐसा होने वाला है। अच्छा, जितना अपने ऊपर चेकिंग करेंगे उतनी चेंज आती जाएंगी। संकल्प, कर्म, समय, संस्कार, इन चारों के ऊपर चेकिंग करनी है, कदम कदम पर चार्ट पर करना है, चार्ट लिखना है। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू भाई जी। अब एक मिनट हम साइलेंस में रहेंगे, फिर ब्रेकआउट रूम में जाके अपना मंथन करेंगे, शेयरिंग करेंगे। ओम शांति। तेजल बहन जी, आप इस मेन रूम में स्टार्ट करना। जी भाई जी, ओम शांति। अच्छा किरण बहन जी, आप शेयर कर सकते हैं। ओम शांति दीदी। दीदी, आज की कुंडली का सबसे अच्छा पॉइंट मुझे माताओं के बारे में, जो बाबा ने इतनी महिमा की है माताओं की, बाबा ने कहा कि जिसको पूरा संसार पूजता है, संसार उसकी वंदना करता है, मैं उनको वंदना करता हूँ, वंदे मातरम बोला बाबा ने। तो बाबा ने एक आपके नैनों से, आपके मुख से, आपके चलन से सबको खुशी का अनुभव होना चाहिए, यानी आपका चेहरा चलन चाल है वो ही सबकी सेवा करनी चाहिए, यानी जो भी आत्मा आपको देखे हर्षित हो जाए। अज्ञानी आत्मा भी कहती है सुबह सुबह पता नहीं किसका चेहरा देखा, अच्छा चेहरा देखेंगे तो उनका जीवन अच्छा हो जाएगा, आपको देख के सभी हर्षित होने चाहिए। इसके लिए बाबा ने कहा आपको संकल्पों पे अटेंशन रखनी है, यानी संकल्पों को समर्थ संकल्प, शुद्ध संकल्प, शक्तिशाली, शुभ भावना, शुभ कामना के रखने। बाबा ने कहा अपने कर्मों पे अटेंशन रखनी है, मैं कर्म कैसे कर रही हूँ, अव्यक्त स्थिति में रह के करना है। बाबा ने कहा समय का टेंशन भी रखना है, समय कम है, पुरुषार्थ ज्यादा है तो समय का टेंशन। बाबा ने कहा अपने संस्कारों पे भी अटेंशन करना है, मैं कितना परिवर्तित हुआ हूँ, तो हर संकल्प, हर सेकंड, हर श्वास मुझे अपने पे अटेंशन रखनी है, तब इस यज्ञ की बेहद की सेवा होगी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। अपने बहुत सुंदर पॉइंट शेयर किया। तो जैसे कहा ना बाबा ने कि समय और संस्कार सबके ऊपर, तो हम माताओं को कितना हमें बाबा इम्पोर्टेंट देता है, वंदे मातरम कहता है। तो भगवान जब हमारी इतनी वो करता है, अपने को ऊपर चढ़ाता है, तो हमें कितना गदगद हो जाते हैं हम बच्चे। तो भाई भी समझे, ऐसे नहीं कि सिर्फ माताओं के लिए ही है, लेकिन आप लोग के लिए भी बाबा कह रहा है। तो हमें भी अपने सब, हम सबको अपने हर्षित चेहरे से बाबा का शो करना है। बहुत सुंदर पॉइंट और बता दूं इसी में।
अभी आप सबको शेयर करें, सब शेयर करने दें, क्योंकि छोटी सी मुरली है ना, तो सभी को शेयर करने के लिए चांस देंगे हम, ठीक है? साधना दीदी बताइए। ओम शांति। तो आज की पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट, तो जो आज बाबा ने प्रतिज्ञा के जल की बात करी है कि भक्त लोग भी जो बेलपत्र चढ़ाते हैं उसमें तीन तरह के, तीन पत्ती का बेलपत्र चढ़ाते हैं, क्योंकि उसको हम ज्ञान मार्ग में तीन तरह की प्रतिज्ञा आज बाबा ने करवाई है कि एक तो पहला अपने आप में सहनशीलता का बल अपने में धारण करेंगे, दूसरा क्यों की क्यों को खत्म करेंगे, मतलब इतनी सारी क्यों क्या की क्यों लगी रहती है, क्यों हुआ या व्यर्थ संकल्पों की क्यों शुरू, क्यों शब्द से ही शुरू हो जाती है, और तीसरा है अपने अंदर से आसुरी संस्कारों का पहरा देना है। तो ये तीन प्रतिज्ञा का बेल पत्र हमको चढ़ाना है। भक्त लोग तो बस ऐसे ही खेल करते रहते हैं, लेकिन हमको शिवरात्रि के दिन ये तीन प्रतिज्ञा ज्ञान सहित अपने अंदर करनी है। ओम शांति। ओम शांति। नमिता सिस्टर आप बताइए। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि ओम शांति, आज बाबा ने कहा कि एक क्यों शब्द से व्यर्थ संकल्प की क्यों शुरू हो जाती है, तो ये क्यों बड़ी लंबी हो जाते है, क्या कैसे क्यों, और हमें से हमारे मन में एक क्यों जो शब्द आता है ना, वो तो बहुत सारा क्वेश्चन आ जाता है उसके, तो बड़ी लंबी लग जाते है। बाबा ने कहा इस क्यों को समाप्ति के बाद ही संपूर्णता आएगी, तो क्यों को खत्म करना है। तो बाबा ने फिर आज तीन बातों, तीन बल के बताते, तीन बल के बारे बताते हैं, एक संगठन का बल, स्नेह का बल और सहयोग का बल। तो इसके साथ सहनशीलता के भी बल भी चाहिए बाबा ने, और एक आठ करना करते हैं। जब सहनशीलता का बल है तो माया की प्रवेश हो नहीं सकता। तो फिर बाबा ने कहा जितना अपने ऊपर चेकिंग करेंगे उतनी ही चेंज आती जाएगी। तो कदम कदम पर हम समय, संकल्प, कर्म, संस्कार, इन चारों के ऊपर भी चेकिंग करनी चाहिए, तो चेकिंग करने से हमारा सफलता भी मिलेगी। ओम शांति। ओम शांति। रीमा दीदी आप बताइए। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा ने कहा कि कोई भी मधुबन में आए तो ये विशेषता देखे कि ये सभी कितने एक की ही याद में है और एक की ही लगन में है, अनेक होते हुए भी एक हैं और एक रस स्थिति में हैं। बाबा ने कहा जब ऐसा दृश्य देखेंगे तब प्रत्यक्षता की निशानी देखने में आएगी, जो अभी हमें ऐसा ही दिखता है। सब अपने अपने, जैसे जो भी बाहर वाले आते हैं वो यही कहते हैं कि ये सब शांति से बस अपने अपने, कोई इनको देखने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी अपने अनेक होते हुए भी एक की ही याद में कर रहे हैं। तो वो प्रत्यक्षता कि सबको वहां शांति, सब बिल्कुल दूर दूर से प्यासी आत्माएं आ रही हैं, एक एक चैतन्य मूर्ति के समान दर्शन मूर्त हो जाएंगे बाबा ने कहा, तो वो समय अभी आ रहा है, लोग आ रहे खींचे खींचे देखने के लिए, तो ऐसा वहां वाइब्रेशन फील होते हैं। ओम शांति। ओम शांति। जैन भाई आप बताएं। ओम शांति। आज बाबा ने मधुबन और पांडव भवन की विशेषता अनेक प्रकार से बताई है, वैसे ही संकल्प, कर्म, समय, संस्कार, इन चारों के ऊपर चेकिंग करनी होगी, ऐसा चेकिंग के बारे में बाबा ने बताया है। ओम शांति। ओम शांति। अभी वृंदा दीदी आप बताएं। ओम शांति। बाबा मतलब माताओं की तो महिमा करते ही हैं, लेकिन आज बाबा ने मतलब पांडवों पर भी विशेष ध्यान दिया है, और बाबा ने कहा है कि पांडव भवन में बल, पांडव दल में बल होना चाहिए, अगर बल है तो मतलब पांडव भवन की हम लोग मतलब पहरा देते हैं, जैसे पांडव लोग पहरा देते हैं पांडव भवन की, तो उनको ऐसा पहरा देना है जो कि पांडव भवन के अंदर आसुरी संप्रदाय जो क्या और मतलब आसुरी संकल्प भी नहीं आए। तो बाबा आगे कहते हैं इतना पहरा देते हो, यानी माया का पहरा देना है, मतलब अपने अंदर मतलब आसुरी संकल्प भी नहीं आने चाहिए,
तो ये संकल्प इसलिए आते हैं, हमारे पुराने स्वभाव संस्कार, पुराने स्वभाव संस्कार को हमको चेंज करना है, क्योंकि पांडव भवन में इतनी शांति और शक्ति का अनुभव होता है, ऐसा पहरा देंगे तभी प्रत्यक्ष हमारी प्रत्यक्षता बाबा की प्रत्यक्षता होगी, तभी हम मतलब चैतन्य मूर्ति दर्शनी मूर्त बन जाएंगे। ओम शांति। हाँ, पांडव भवन एक जादू का घर हो जाएगा, क्योंकि वहां जैसे आपने शेयर किया कि सब अपने अपने संस्कारों पर और अपने अपने संकल्पों पर, कौन से है आसुरी, कौन से है व्यर्थ, कौन से है अपने पुराने संस्कार, ये सभी पर अटेंशन रखेंगे और माया के गेट की रखवाली करेंगे, पहरा देंगे, तभी होगा ये। बहुत सुंदर। रजनी सिस्टर आप बताइए। ओम शांति। आज बाबा ने पांडव भवन के लिए बहुत कहा और हमें लगता है कि बाबा ने कहा कि एक एक आत्मा रत्न है, तो पांडव भवन हो, भले ही हमारा कोई सेंटर हो, भले हमारे घर हो, अगर इनमें यहाँ पे जो बाबा ने चार बातें हमें बोली हैं पूर्ण निछावर हो जाते हैं तो संगठन में बल आ जाता है। वो सेंटर हो, भले घर हो, उनको भी हम पांडव भवन बना सकते हैं, स्नेह से सबको करना, क्योंकि आत्माएं तभी बाबा को हम प्रत्यक्ष कर पाएंगे, जहां जो रहता है वहां पे ही हम सब करके उनके अंदर वो बल भर सकते हैं, और संगठन हो, सहयोग हो, व्यर्थ संकल्प जब खत्म होगा और सहनशीलता हमारे में आएगी तो सारे अपने आप खींचे हुए चले आएंगे और एक एक रतन की तरफ। तो मुझे यूं लगता है कि आज हमें अपने पे ये अटेंशन देने कि हम अपनी एक एक चीज को कम करके बल भरे स्नेह का, संगठन का और सहनशीलता का। ओम शांति। हाँ, बहुत सुंदर। आज बाबा ने चार बल, चार एस 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 याद रखना है, संगठन, स्नेह, सहयोग और सहनशीलता। चार एस के ऊपर से जो बल आते हैं वो चारों बल अपने में भरने हैं, तभी बाबा की हम प्रत्यक्षता कर पाएंगे और अपने स्थानों को सुंदर, ये एकदम शांति स्थान जैसे पांडव भवन के जैसे जादू का घर बना पाएंगे। बहुत सुंदर। सौम्या सिस्टर आप बताएं। ओम शांति। आज बाबा ये शिव जयंती के ऊपर मुरली चली है, तो बाबा कहते हैं कि मिलना ही मनाना है, पर जो हम बच्चे हैं वो क्या करते हैं, मनाते हैं, एक तो शिव जयंती मनाते हैं और आप समान बनाना, तो ये दो बातें, शिव जयंती मतलब आप समान, तो जयंती हो गई, एक तो मिलना मिलन मनाना और दूसरा आप समान बनाना, तो ये शिव जयंती। और बाबा कहते हैं जो जितना स्वयं नौछावर बने हैं उतना ही औरों को बनाते हैं, अगर खुद ही संपूर्ण नौछावर नहीं है, स्वयं ही संपूर्ण नहीं बने हैं, फिर औरों को बनाना पॉसिबल ही नहीं है, कि उनको भी कैसे, स्वयं जब साक्षात्कार बाबा का, तो साक्षात्कार जब अपने आप ही नहीं हुआ है तो फिर दूसरों को कैसे कराएंगे। और पांडव भवन के बारे में जो विशेष बात बताई बाबा ने कि आते ही सबको ऐसा लगे कि साक्षात्कार हो रहा है, तो उसके ऊपर सचिन भाई का क्लास याद आता है। सचिन भाई बताते हैं कि कैसे वो हर जगह से, जब सब जगह से भटक करके मधुबन आए तो कैसे उनको बाबा का साक्षात्कार हुआ, तो वो इसमें एक उदाहरण याद आता है। ओम शांति। ओम शांति। अंजू। हाँ अंजू सिस्टर आप बताइए। आज बाबा ने जो तीन बल बताए हैं, संगठन का बल, स्नेह का बल और सहयोग का, उसके साथ में विशेष अटेंशन बाबा ने सहनशीलता के बल पर दिया है, क्योंकि विशेष बल सहनशीलता का ही है। बच्चे क्या होता है, फीलिंग में जल्दी आते हैं एक दूसरे से, कभी होता है कि आपस में मतभेद हो जाता है, किसी बात में एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, या सबसे बड़ा सहनशीलता का बल आएगा तो ये सारे बल एक साथ ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। तो इसके बारे में फिर बाबा ने यही बोला है कि अगर चारों बल अपने में धारण करेंगे तो पांडव भवन जो है ये सारी दुनिया में देखने में आएगा और अनुभव करेंगे कि ये बहुत विशेष स्थान है, और इसका फिर पूरे विश्व में एक नाम भी होगा और इस भवन का महत्व भी होगा। तो सबसे बड़ा सहनशीलता का बल ही है, और उसके बाद में बाबा ने संकल्प, कर्म और समय संस्कार, इन पर भी अटेंशन देने की बात कही है, और अपने नयन से, मुखड़े से, चाल चलन, बोली से ये खुशी झलकनी चाहिए, बाबा ने ये बताया। ओम शांति।
ओम शांति। सावित्री दीदी आप बताइए। हाँ जी दीदी, सबको ओम शांति। तो जैसे बहन ने भी अभी बताया है कि मधुबन में हमने भी सतन भाई की क्लास भी सुनी थी, और वो उन्होंने जो अपने बारे में बताया था तो बहुत ही अच्छा लगा था। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि कोई भी, जैसे बाबा ने पहले ही बता दिया है कि मधुबन की विशेषता देख के ये सभी इतने अनेक होते हुए भी एक और एक की ही लगन में मगन, तो हमारी एक रस स्थिति होनी चाहिए सबसे बड़ी। तो यहाँ पर हमने जो बाबा ने आज प्रतिज्ञा कराई है कि सहनशीलता का बल अपने में धारण करेंगे, क्यों को खत्म करेंगे और आसुरी संस्कारों पर पहरा देना, तो तीन प्रतिज्ञा का यह बेल पत्थर। तो यहाँ पर सबसे पहले सहनशीलता को लेते हैं। तो सहनशीलता, जैसे बाबा ने भी सहन किया, तो सहन करने के लिए ब्रह्मा बाबा ने भी तो समाज का विरोध था, कितना लोग मतलब वो करते थे वहां पर, बाबा ने कभी हिम्मत नहीं हारी। तो बाप दादा भी हमें वही सहन शक्ति दे रहे हैं, तो उस सहन शक्ति से बाबा की हम क्या होते हैं, राइट हैंड भी बन जाते हैं। और बाबा के ही उस स्वरूप को अगर हम देखें तो उस स्वरूप को देख कर उनकी जो समझानी है वहां पर हमें सहन शक्ति मिलने की शक्ति भी मिलती। और साथ में बाबा ने क्यों, तो क्यों के क्यों की माला डाल करके अगर हम बाबा को दे दें, तो ये माला जब बाबा को दे देंगे तो ये क्यों भी खत्म हो जाएगी। और आसुरी संस्कारों का पहरा देना है, तो आसुरी संस्कारों का पहरा हम कैसे देंगे, जो हमारे अंदर की कमी कमजोरी, जो हमारे अंदर जो भी संकल्प उठ रहे हैं उस संकल्प को बिंदी रूप में समझ कर, और वहां पर हमने क्या करना है, जो बाहर की बातें हैं उसे सुनना ही नहीं, और जो बाबा ने हमें शक्ति स्वरूप बना करके ये सारे जो प्रतिज्ञा कराई है उसके ऊपर हमें चेकिंग करनी, और संकल्प कर्म समय और संस्कार को धारण करने के बाद ही हमें वो सहनशीलता मिले। तो जैसे बाबा बोलते कि ज्ञान मार्ग पर चलते चलते अनेक प्रकार की जो विपरीत परिस्थितियां सामने आती है और लोगों से जो मतलब निंदा या कटु आलोचना सुननी पड़ती है, उसे सहन करने में ही हमें अपना कल्याण मानना है, क्योंकि ये हमारी ही परीक्षा के लिए आती है, ताकि हम भी देख सके कि हमारे मन में अभी क्रोध का आवेश है, आवेश के संस्कार तो नहीं है। तो परमपिता परमात्मा से हमारी इतनी लगन होनी चाहिए कि थोड़ी थोड़ी कठिनाई के घेरे में हमें फंसना नहीं है, लेकिन लक्ष्य को प्राप्त करना है। तो इसके लिए हमें खुशी खुशी सहन करना है, ये तो हमारे अपने ही पूर्व कर्मों के प्रारब्ध के रूप में हमारे सामने आ रहे हैं। ओम शांति। हाँ, बहुत अच्छा बताया कि जो भी हमारे सामने जो परीक्षाएं आती है और जो भी वो फीलिंग का फ्लू वो जो है सहन करना बाबा ने बताया, वो हमें अपने ही हम कर्म बंधनों को काटते हैं, हम अपना हिसाब किताब भी चुक चुक कर रहे हैं, तो उसकी वजह से हमें तो खुश होना चाहिए, फीलिंग का फ्लू नहीं आने देना चाहिए, बाबा के साथ ही एक रस अवस्था में रहना चाहिए। बहुत सुंदर। प्रीति सिस्टर आप बताइए। ओम शांति। बाबा ने आज कहा कि कोई ना कोई स्लोगन सामने रखो और उसे प्रैक्टिकल में लाओ, तो बाबा ने बहुत ही सहज पुरुषार्थ बताया है कि बाबा जो मुरलियों में स्लोगन देते हैं तो उसको हम सामने रखें और प्रैक्टिकल स्वरूप में लाएं। ओम शांति। हाँ, तो ये अभी बताएं आप कि क्यों की क्यों को हम कैसे खत्म करेंगे। बाबा ने आज क्यों की क्यों के ऊपर आज चलाई है मुरली, जैसे पुराने संस्कार है, व्यर्थ संकल्प, कैसे खत्म करेंगे हम। ओम शांति। कल बाबा ने कल भी मुरली में बताया था कि संकल्प से ही मतलब समाप्त कर देना चाहिए कोई भी संकल्प। पहले हमें संकल्प में जैसे कोई भी आत्मा के प्रति क्या क्यों आती है, तो फिर क्यों लग जाती है, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, और आज की मुरली में भी है, तो हमें संकल्प में ही समाप्त कर देना चाहिए, नहीं तो फिर वो क्यों लग जाती है। ओम शांति। हाँ, कर्मों की गुह्य गति के ऊपर कल कर्मों के गुह्य दाता ने हमें ज्ञान इतना सुंदर बताया है। और कोई शेयर करेंगे। ओम शांति। जो क्यों को समाप्त करने के लिए हमें तो ड्रामा का ज्ञान भी अच्छे से होना चाहिए, ड्रामा पर निश्चय होना चाहिए, ड्रामा को साक्षी भाव होके कि हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है, जो कर रही है बिल्कुल एक्यूरेट रोल प्ले कर रही है, तो इस तरह क्यों समाप्त होगी। ओम शांति। हाँ, ये क्यों की जो क्यों है वो आत्माओं के सिवाय परिस्थिति पर भी है ना। कौन शेयर करना चाहेगा। ओम शांति।
क्योंकि क्यों पे यही ड्रामा का, जैसे अभी बहन ने बताया कि ये वैरायटी ड्रामा है, अनादि अविनाशी है, कल्याणकारी है, न्यायकारी है, एक्यूरेट है, राजों से भरा हुआ है, परिवर्तनशील है, बना बनाया है, हुबहू 5000 वर्ष में रिपीट होता है। ये बार बार हम मन में लाएंगे तो व्यर्थ संकल्प, क्योंकि सारे दिन क्या होता है, संकल्प ही तो व्यर्थ संकल्प ही तो सारा हमारे क्यों की प्रॉब्लम है। तो व्यर्थ संकल्प के लिए ड्रामा ही सबसे ज्यादा, हर समय वो ज्ञान हमारे स्मृति में रहे, जैसे ही हमारे सामने कोई प्रॉब्लम आए तो ड्रामा को लेके बैठ जाएंगे तो व्यर्थ संकल्प एक सेकेंड में फुल स्टॉप लग जाता है और फिर हम उसे बाहर निकल सकते। ओम शांति। हम ड्रामा के पटरी पर चलते रहें, एक रस ड्रामा के पट्टे पर चलते रहें। हाँ मान्या अग्रवाल, आप बताइए। ओम शांति। ओम शांति जी बोलो। हाँ मान्या सिस्टर, जैसे वैसे तो दीदी याद और सेवा का डबल लॉक लगाएंगे तो जो व्यर्थ है या नेगेटिव है कुछ आएगा ही नहीं, बट फिर भी अगर कभी आता है तो मैं तीन बिंदु का हमेशा अभ्यास रखती हूँ कि मैं कौन हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, तो मेरा कोई कुछ लेके जा नहीं सकता, मेरा कोई नुकसान हो नहीं सकता, जो मेरा है वो मेरे पास ही रहेगा, और दूसरा बाबा बिंदु और तीसरा ड्रामा पर निश्चय, तो फुल स्टॉप का बिंदु, तो वो लगाती हूँ। और अगर फिर भी कभी बीच में व्यर्थ तंग करे या कुछ भी विपरीत परिस्थिति का मनन चलता रहे तो उसके लिए मैं समाने की शक्ति यूज करती हूँ, और उससे पहले भी संकीर्णता और समेटने की शक्ति यूज करती हूँ कि मेरे को अपने लगेज में जो मेरा एवर रेडी वाला बैग है उसमें कुछ भी व्यर्थ नहीं डालना है। इसके लिए मैं अपने मन को सेटिस्फाई करने के लिए जो भी परिस्थिति हुई है उस आत्मा के पिछले वाले भाव को, कि उसका कोई ना कोई जरूर कारण रहा होगा, तो उसको अनबायस्ड होके वो ढूंढती हूँ और उसका पक्ष सोचती हूँ उस आत्मा का, कि उसका भी ये पक्ष हो सकता है। तो इस तरह से मन को एक छोटे बच्चे की भांति समझाती हूँ कि जरूर उसका भी ये पक्ष रहा होगा, वो ये सोच सकती है जिस वजह से ये हुआ, तो इस तरह से फिर मन सेटिस्फाई हो जाता है, तो मन फिर दोबारा उस तरह के क्यों क्या के क्वेश्चंस नहीं उठाता, तो इस तरह से भी उसको रिलैक्स करके शांत करके व्यर्थ से बच जाती हैं। बहुत सुंदर। बाबा ने कल भी मुरली में कहा था ना, कर्मों की गुह्य गति में, कि कोई भी बात आए, परिस्थिति आए, लेकिन वो मेरे लिए अच्छा ही है और मेरे लिए अच्छा ही ला रही है, कल्याणकारी। बहुत सुंदर। निशा सिस्टर आप बताएं। ओम शांति। बाबी अभी कुछ दिन पहले बाबा ने एक मुरली चलाई थी, अभ्यक्त थी सुबह में ही। बाबा ने कहा था कि हर बात को अगर आप पेपर समझ के पार करेंगे तो पास हो जाएंगे। तो मैं जो करती हूँ, मैंने उसी दिन वो उस बात को पकड़ लिया था, चाहे कोई बात हो, चाहे कोई परिस्थिति हो, जो भी आपने कहा कि परिस्थिति को कैसे करेंगे, तो उसको भी आप ये समझिए कि ये पेपर है, तो पेपर लगा समझेंगे और फिर बिंदु लगाएंगे, फिर आसानी से उस चीज को पास जाएंगे और बहुत बाबा की मदद भी मिलती है। तो ऐसा करेंगे तो भी आपका मतलब बिंदु लग जाएगा और प्रकृति से पास हो जाएंगे। बहुत ही सुंदर पॉइंट आपने शेयर किया और सभी को रिमाइंड भी कराया कि हर बात जो हमारे सामने आती है उस सबको हम पेपर समझे, बातें या संकल्प ऐसा कुछ नहीं समझे, परिस्थिति भी नहीं समझे, सिर्फ पेपर समझ कर उसको पास करें, क्योंकि हर पेपर को विजयी बनेंगे तभी हम विजयी माला के मन के बन सकेंगे। अभी सभी आ चुके हैं, अभी रमू भाई शेयर करेंगे और होमवर्क देंगे। सर जी, थैंक यू तेजल बहन। अभी रविकांत भाई जी हमको होमवर्क देंगे और योग कराएंगे 2 मिनट 3 मिनट। ओम शांति। किसी का माइक चल रहा है, सुलोचना बिंदापुरी, तो जरा म्यूट करना बोलो।
आवाज आ रही है? जी जी, आज बाबा अपने मुरली में चार प्रतिज्ञाएं के बारे में कहते हैं। ये प्रतिज्ञा हम लिखेंगे और इसका एक एक प्रतिज्ञा का सारांश लिखेंगे। तो संगठन का बल, स्नेह का बल, सहयोग देने का बल, स्नेहशीलता का बल, ये चार बलों का हम अध्ययन करेंगे। और तीन प्रतिज्ञाएं, सहनशीलता का बल अपने में धारण करेंगे ना, तो क्योंकि क्यों कर्म करेंगे, असुरी संस्कारों पर पहरे देना है, और ये तीन बल। और चेकिंग पॉइंट्स जो है लास्ट में, हर कदम चेकिंग करना है, संकल्प, कर्म, समय, संस्कार, कितने प्रतिशत तक हम ये चारों में बाबा के साथ हैं, ये आज की होमवर्क है। अभी योग करेंगे। अच्छा, पांडव भवन में बाबा हम सभी अब महसूस करेंगे, हम सभी अभी पांडव भवन में जाएंगे और चार धाम की यात्रा करेंगे। महसूस कीजिए, हम सभी मधुबन के गेट के पास हैं। पहले अभी हम सभी शांत स्तंभ के आगे खड़े हैं, वहां की शक्तिशाली वायुमंडल में खड़े, महसूस कीजिए सभी। अभी धीरे धीरे हम बाबा के कमरे में के पास जा रहे हैं। स्नेह का धाम है, यहाँ दृढ़ संकल्प लेंगे हम कि आज हमने जो भी प्रतिज्ञा की है वो प्रतिज्ञा को निभाने के लिए हमें शक्ति मिले। महसूस कीजिए सब, फील कीजिए। अभी बाबा की कुटिया के पास जो कर्म का धाम है बाप दादा का, कुटिया के पास जाएंगे। हम सभी जो भी पत्र हमने भेजे हैं, बाबा वो पत्रों का रिप्लाई दे रहे हैं, ऐसा विजुलाइज कीजिए। अभी धीरे धीरे चलेंगे हिस्ट्री हॉल में। हिस्ट्री हॉल में एंटर होते ही हमारी जितने भी वेस्ट कार्ड जो भी है सब खत्म हो जाते हैं। हिस्ट्री हॉल के अंदर बाबा की याद में बैठेंगे। वहां हिस्ट्री हॉल में लगे हुए हर एक चित्र को देख रहे हैं और इंस्पायर हो रहे हैं, आनंद का अनुभव हो रहे। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू भाई जी, ओम शांति भाई जी। थैंक यू बाबा, एक बार ओम शांति भाई जी। शांति भाई जी, ओम शांति, ओम शांति, शांति, गुड डे एवरीवन, ओम शांति। थैंक यू सबको, ओम शांति। थैंक यू मुझे मुरली पढ़ने के लिए। थैंक यू सभी को, शुक्रिया, गुड डे।